हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। गाइस, आज मैंने प्लान किया आप सबको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे लेके जाऊंगा। तो गाइस, आज मैं आपको जहां लेके जाने वाला हूं वो यहां से ज़्यादा नहीं 15 किलोमीटर दूर है, और वो जगह का नाम भी मैं आप सबको बता देता हूं। जगह का नाम है कोलाघाट, और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस होटल है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही नाम है वो होटल का, और वो होटल का नाम है शेर पंजाब। आज मैं वहाँ जाऊँगा और होटल कैसा दिखता है, होटल का अंदर कैसा है, बाहर कैसा है, कितने लोग आते हैं, सारा कुछ डिटेल में आप सबको बताऊंगा और सारा कुछ वहाँ का सीन आप सबको दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी 4 बज चुका है, जल्दी से वहाँ पे जाऊंगा वरना शाम हो जाएगा तो अच्छा वीडियो नहीं आएगा, आप सबको दिखा भी नहीं पाऊंगा। और वो होटल इतना ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पे मिनिस्टर भी आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आते हैं, तो आज भी आप सबको उसी जगह लेके जाने वाला हूँ। सो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग को पूरा देखो और एंजॉय करो। और सबसे मज़े की बात यह है कि मैं अभी वहाँ पे कभी नहीं गया हूँ, आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो देखते हैं यार, चलते हैं। और क्या, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं शेर पंजाब होटल, और मेरे साथ है मेरा एक भाई यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा ऑसम है। टोटल यहाँ का क्या सीन है मैं आप सबको दिखाऊंगा। बाइक से ही आए हैं, मैं पहले बाइक से ही आया था, फिर इसको यहाँ से पिक किया मैंने। पिक करने के बाद गाइस बाइक यहाँ पे खड़ा कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ का सीन मैं आप सबको पहले दिखा देता हूँ। और गाइस, अभी जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये है शेर पंजाब का होटल, ये जो है रिसेंट बना है, लिखा हुआ है गाइस आप देख सकते हैं शेर पंजाब कोलाघाट, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसमें। और नीचे आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही खूबसूरत सा एक मूर्ति है, और साइड में जो गाइस फाउंटेन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है रात में देखने के लिए। और यहाँ पे एक बिल्डिंग नया बन रहा है गाइस, आप देख सकते हैं, और साइड में है शॉप, एक लस्सी शॉप है। और गाइस उसके साइड तरफ भी मैं आप सबको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अंदर जो गाइस रेस्टोरेंट है, मैं थोड़ा देर बाद जाऊंगा और आप सबको क्या सीन है टोटल दिखाऊंगा। फिलहाल गाइस यहाँ पे मैं आप सबको और भी चीज दिखा देता हूँ, यहाँ जो है पार्किंग एरिया है और बहुत सारा कार यहाँ पे रखा हुआ है। और गाइस साइड पे भी आप देख सकते हो बहुत सारा बाइक भी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है, और आप देख सकते हो ये जो है एक मेरा भाई आया हुआ है मेरे साथ। तो ये देख रहे हो आप, जैसे कि गाइस यहाँ पे कितना सारा फोर व्हीलर यहाँ पे रखा हुआ है शॉप के सामने। साइड पे जो है गाइस लस्सी शॉप है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा शॉप है। और इधर तरफ गाइस आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है, और ये जो है मेन गेट। और गाइस मैं आप सबको दिखा देता हूँ यहाँ पे मेन गेट का बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत सारा गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है। और गाइस एक चीज़ है, आप देख सकते हो फाउंडर का पोस्टर, और ये होटल का यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट के सामने यहाँ पे अभी भी जो है बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, और ज़्यादा शानदार रेस्टोरेंट होने वाला है यहाँ का। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा फेमस है शेर पंजाब रेस्टोरेंट यहाँ का कोलाघाट के अंदर, तो बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। अब गाइस मैं आप सबको यहाँ का रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। आप गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे कि लिखा हुआ है शेर पंजाब होटल, और नीचे जो है गाइस पूरा रेस्टोरेंट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं गाइस, और यहाँ सब जो है बैठ के मतलब चाय पी रहे हैं। और गाइस अंदर भी बैठने के लिए बहुत ज़्यादा प्लेस है, तो मैं अभी अंदर जाता हूँ गाइस और कुछ ऑर्डर करता हूँ। और ये है यहाँ का स्पेशल समोसा विथ चटनी, तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगेगा मुझे लग रहा है। तो इसको देखो, ये तो पहले से ही लग पड़ा है खाने में, तो चलो इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं और बताते हैं आप सबको इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी ट्राई करते हैं और आप सबको बताते हैं कैसा लग रहा है। ऑसम, बहुत टेस्टी है, और चटनी भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है खाने में। और यह है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चाय जो अभी हम लोग पी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है पीने में। तो यहाँ का चाय का टेस्टी कुछ और ही है। और यहाँ पे अंदर भी गाइस आप देख सकते हैं बहुत सारा टेबल यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत कई लोग यहाँ पे भी खाना पीना कर रहे हैं। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो साइड में अंदर जो है पूरा एसी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो अंदर बैठ के भी खाना पीना कर सकते हो। और यहाँ पे रोड के सामने भी बैठने के लिए बहुत ज्यादा प्लेस मिल जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे भी बैठ सकते हो। और कुछ इस टाइप का प्लेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, बहुत सारा चेयर यहाँ पे रखा हुआ है, और साइड तरफ बहुत कई लोग जो है यहाँ पे खाना पीना कर रहे हैं। और गाइस ये है पार्किंग एरिया, और यहाँ पे बहुत सारी लग्जरी कार देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल अभी कम है। और राइट साइड गाइस आप देख सकते हैं BMW आ रहा है, ठीक है यार, क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है गाइस, आप देख सकते हैं ये वाला BMW। We'll be right back.
और गाइस शाम टाइम का नजारा कुछ ऐसा है, अगर पेरेंट्स के साथ कोई बच्चे आते हैं तो वहाँ पे उन लोगों का खेलने के लिए भी प्लेस थोड़ा मिल जाता है। लेकिन थोड़ा देर बाद जो है गाइस यहाँ पे मिनिस्टर आए हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था गाइस, आप देख सकते हैं, ठीक है, मीटिंग के लिए आए हुए थे। तो गाइस ये रहा रेस्टोरेंट का बिल। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे ब्लॉग शूट कंप्लीट हो चुका है और शाम भी हो चुका है बहुत ज़्यादा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सब लाइट यहाँ पे ऑन कर दिया गया हुआ है, यहाँ पे मतलब शाम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और मिलता हूँ गाइस आप सबसे ऐसी किसी कमाल की ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड लव यू ऑल।